मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, मां बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान राजेंद्र कत्याल से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में सभी चिंता से ग्रसित हैं। चिंता शरीर को जलाती है जो बाद में चिता में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि चिता शव को जलाती है तो चिंता शरीर को, दोनों में मात्र एक बिंदु का अंतर है। इसलिए मनुष्य को जीवन में चिंता को छोड़कर सुखी जीवन जीना चाहिए। इस दौरान इस अवसर पर संजीव शर्मा बावा, समीर चोपड़ा, मुकेश चौधरी, अश्विनी शर्मा धूप वाले, विनोद लूथरा, बलजिंदर सिंह, रोहित बहल, यज्ञदत्त, अवतार सिंह, पंकज, राजेश महाजन, बावा खन्ना, मोहित बहल, संजय, प्रदीप शर्मा, विकास अग्रवाल, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, प्रिंस, बाबा गौरी गिरी, कामाख्या देवी वाले, गुलशन शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, रॉकी, ओंकार ठाकुर, बलदेव सिंह, सुनील जग्गी, गणेश कुमार, प्रवीण और दीपक सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरिंदर बाबा की रिपोर्ट। जो कि गुरुमार सिटी पुराना होशियारपुर रोड के ऊपर मंदिर बगलामुखी माँ का विराजमान है। जैसे कि आपने 31 तारीख को देखा 56 प्रकार का भोग, इसे विशेष प्रकार के साथ लगाया गया और जो भी भक्त लोगों ने जहाँ के भी थे वो प्रसाद बना के लेके आए और निवारण हुआ। यहाँ पे काफ़ी तादाद में भक्त लोग आए, मैं उनका और अपने अपने घर से भी बना के लाए, दुकान से भी लेके आए, जिनके जो जो लेके आने वाले हैं, नहीं लेके आने वाले, जो भी भक्त आने वाले हैं मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बृहस्पतिवार को और महीने का एक हवन होता है, हर हफ्ते में एक हवन होता है। सभी से कहा जाता है कि आप लोग आइए और बगलामुखी माई में आ करके आप हवन में अपने गृह दुख दरिद्र पाप नष्ट करना है और बगलामुखी के दर पर जाना है। जय माँ बगलामुखी। जय माता दी जी। मैं आज बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी स्थित है, इस भव्य मंदिर च माँ पिताम्बरा दे च सारे अपने नाल दे सेवादारां दा, भगतां दा, जिहड़े अपने घरों नाना प्रकार दे 56 भोग दे उत्ते पदार्थ बना के लिया है, महामाई नूं अर्पण कीते है। कोई आलू दे परौंठे लैके आया, कोई पनीर दी सब्जी लैके आया है, कोई फ्रूट लैके आया है, कोई ड्राई फ्रूट लैके आया है। की बोलीए की ना बोलीए, साढ़े को शब्द नहीं है। जिहड़ी रहमत साढ़े मालक ने सारे सेवादारां दे उत्ते कीती है। मैं महामाई बगलामुखी दे चरणां च बारंबार प्रणाम करदा होया यही अरदास बेनती करदा कि जिन्हां दे भी घरों कोई भी वस्तु आई है, उन्होंने प्रसाद का भोग महामाई के चरणों च लगाया है, माँ स्वीकार करे और सारे दे घर परिवार के उत्ते अपना आशीर्वाद रखे, तन तन ना भरपूर रखे, सारियां नूं दुश्मनों तो दूर करे और हर पास्यों माँ कृपा करे। ऐसी साड़ी कामना है और इदा ही असी आशा करते माँ साढ़े ते आशीर्वाद रखेगी। मैं फिर तो सारे आए हुए पतवंते सज्जणा दा, धार्मिक कमेटियां दा, राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों का, सारिया अखबारों का, सारे वैबपोर्टलों का करवद स्वागत भी किया है और धन्यवाद भी करदा कि ऐसे ही सारे सानू कवरेज भी देंगे और सारिया कमेटियां जिहड़े धार्मिक है, राजनीतिक है, समाजिक संगठन जिस तरह सानू अगे साढ़े नाल मोढ़े ना मोढ़ा चल लगा के चलते है, इस तरह ही आशा करदा अगे नू भी साढ़े नाल चलणगे। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना 18 तरीक न श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा मंदिर परिसर। कोई भी श्रद्धालु
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ।